नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब। आपका स्वागत है फ्रेंड्स आपके अपने चैनल में। और आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ इस वीडियो में चावल के घरेलू नुस्खे से कीजिए बालों की समस्या का समाधान। और उससे पहले दोस्तों मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, आप प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। चावल से बालों को सुंदर बनाने के कुछ घरेलू नुस्खे इस प्रकार हैं। बालों में चमक लाए, 1 कप चावल का दूध अर्थात माड़ लें और 2-3 बड़े चम्मच शहद मिलाएं। चावलों को पानी के साथ पीसकर चावल का दूध तैयार करें। चम्मच से इसको अच्छी तरह से मिलाएं। इस मिश्रण को बाल, स्कैल्प और बालों के सिरों पर अच्छे से लगाएं। 5 से 20 मिनट के लिए छोड़ दें और फिर सामान्य पानी से इसे धो लें। फिर देखिए आपके बालों पर कैसा जादुई असर दिखेगा। डैमेज बाल सुधारें। हेयर स्ट्रेटनर और केमिकल्स के ज़्यादा इस्तेमाल से बाल खराब हो चुके हैं, तो इस मामले में चावल आपके लिए बहुत फायदेमंद साबित होगा। शैम्पू करने के बाद चावल के पानी से हल्के हाथों से स्कैल्प का मसाज करें। 5 मिनट के लिए इसे ऐसे ही छोड़ दें और फिर साधारण पानी से बालों को धो लें। बालों को टूटने से रोकता है। कई बार बाल काफ़ी कमज़ोर हो जाते हैं और आसानी से टूट जाते हैं। ऐसा एमिनो एसिड, विटामिन और मिनरल्स की कमी के कारण होता है। इसलिए अपने बालों को चावल के पानी से मसाज करें ताकि आपके बालों की मजबूती बनी रहे। बालों को ज़्यादा पोषण देने के लिए इसमें रोजमेरी, लैवेंडर या टी ट्री जैसे एसेंशियल ऑयल मिलाएं। शैम्पू और कंडीशनर का करें काम। चावल का पानी एक बेमिसाल शैम्पू भी है, जिसमें पिसा हुआ आंवला या शिकाकाई या संतरे का छिलका मिलाकर अपने बालों को इससे धोएं। ये सिर्फ शैम्पू ही नहीं बल्कि कंडीशनर का भी काम करता है। चावल का पानी न सिर्फ आपके बालों को मजबूत बनाता है बल्कि ये आपके बालों में चमक भी लाने का काम करता है। रूसी और खुजली को करें दूर। बालों से रूसी हटाने के लिए चावल के माड़ में थोड़ा सा शिकाकाई पाउडर मिलाकर बालों में लगाएं। कुछ देर रखने के बाद साफ पानी से बाल धोएं, रूसी दूर हो जाएगी। अगर धूल मिट्टी के कारण बालों में खुजली की समस्या हो तो छोटे प्याज की नारियल तेल के साथ उबालकर बालों में लगाएं, फिर बालों को बेस और उबले चावल के पानी के मिश्रण से धोएं। थैंक यू फ्रेंड्स, अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक करें, अपने दोस्तों अपनी फैमिली के साथ शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो मिलते हैं फ्रेंड एक और नई महत्वपूर्ण जानकारी के साथ। जब तक के लिए आप हेल्दी रहें, फिट रहें, खुश रहें। बाय बाय।